तो आप भी जानते हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बिल्कुल खिलाफ भाजपा की तरफ से आजमगढ़ में खड़े हैं उम्मीदवार बनकर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि भोजपुरी सितारों की दुनिया से राजनीति में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन जो बात हम आपको बता रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए आप जानकर शायद यकीन ना कर पाए, लेकिन ये सच है। एक समय उसी अखिलेश यादव को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानकर प्यार लुटाया करते थे उन पर निरहुआ, जो आज उनके खिलाफ एक प्रत्याशी के रूप में उनके साथ लोकसभा चुनावी दंगल में फिर गए हैं। चलिए आपको बता दें, जब दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी, जब निरहुआ भोजपुरी सितारे के रूप में उनके साथ सामने आए थे, तो उनसे हुई मुलाकात पर भोजपुरी अभिनेता के तौर पर निरहुआ ने उनसे खास यादगार लम्हे बिताए थे और उसे तस्वीरों में कैप्चर भी किया था, जब यूपी के सीएम अखिलेश यादव थे। लेकिन देखिए ना कैसे वक्त बदलता है और वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, इसी का सबूत लोकसभा चुनाव 2019 में साफ साफ देखने को मिला है। आज वही अखिलेश यादव दुश्मन बन गए हैं निरहुआ के, जो कि सपा की तरफ से उम्मीदवार बनकर आजमगढ़ में निरहुआ के खिलाफ है। लेकिन निरहुआ हार नहीं मानने वाले हैं, बीजेपी को जीत दिलाने के लिए वो पूरी तरह से फॉर्म में है, जो कि गांव गांव में जनता से मिलकर भाजपा के नारे लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा ये दोस्ती जो दुश्मनी में बदली उसमें किसको लाभ होता है और किसको घाटा। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से तृप्ति की रिपोर्ट।